सार्थक विकल्प बनकर उभरी है, लेकिन जैविक खेती या कहीं प्राकृतिक खेती, इसके विषय में किसानों को जागरूक करना और जैविक खेती से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। सघन कृषि पद्धति, रासायनिक खेती आदि ने हमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बनाया ही, लेकिन जहां फसलों में करीब 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वहीं हरित क्रांति के समय सिर्फ 3 पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को ही खेती का आधार समझा गया और मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया। जैविक खेती में सबसे आवश्यक है मिश्रित खेती, जिससे एक फसल दूसरी फसल के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, कीटों और रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करती है और मिट्टी को उर्वर बनाती है, यानी हरित क्रांति से सदाबहार हरित क्रांति की ओर ले जाने का सबसे उचित उपाय जैविक खेती ही है। जैविक खेती प्रकृति के साथ उसकी उत्पादन व्यवस्था को समझकर जीने का एक तरीका है। इसमें मुख्य रूप से हमें प्राकृतिक नियम को ही देखना समझना है। जैविक खेती में विभिन्न फसलों के चक्र की पूरी कृषि प्रणाली ही प्रकृति के तालमेल से बनाई जाती है। जैसे खाद्यान्न फसल के साथ दलहनी फसल की सहफसलीय खेती, जैविक खेती का आधार ही मिश्रित खेती है, जिसमें एक एकड़ में कई फसलें एक साथ ली जाती हैं, जिससे प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि होती है और आमदनी में इजाफा होता है। एक वर्ष में हम 9-10 फसल से ज्यादा भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? हमें बहुफसली फसल प्रणाली का एक मानचित्र बनाने की जरूरत है, जिसमें अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी या इमारती लकड़ी, इन सभी को हम अपने मानचित्र में तय कर लें कि किस मौसम में किस समय पर किस फसल को लगाया जाना है। पूरी विधा प्राकृतिक प्रक्रियाओं की सामंजस्य व उनके एक दूसरे पर आधारित होने के कारण इससे न तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है और न ही पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान होता है। प्रकृति में सभी जीवों व तत्वों की भूमिका है और सभी के सहयोग से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खेती करना ही जैविक खेती है। खेती के 3 स्तंभ हैं। नंबर 1, देसी गाय, जो भारत में हमारे क्षेत्र के अनुसार देसी गाय का भगवान ने डिवाइडेशन किया है, और दूसरा है देसी केंचुआ, और तीसरा है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु उसको खाना पका के और पौधे को देने का काम करता है। दूसरा जो केंचुआ है, वो मल्चिंग के द्वारा उसका अनुकूल माहौल मिल जाता है उसके लिए। वो जैसे ही उसे हम जीवामृत और घनजीवामृत ये सब खेत में लगाते हैं और मल्चिंग करते हैं, जमीन को एक तरह चलनी बना देता है। चलनी बनाने के बाद में उपजाऊ नीचे की जमीन ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी और ऊपर की कमजोर मिट्टी को नीचे ले जाता है। जैविक खेती में फसलों की दूरी का नियम बेहद अहम है। अगर उचित दूरी होगी तो सूरज की रोशनी पर्याप्त मिलेगी, जिससे अच्छी बढ़वार भी होगी और कीट व रोग भी दूर रहेंगे। जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बजाय उनके समुचित उपयोग और प्रकृति से सामंजस्य बैठाकर खेती की जाती है। खरपतवार नियंत्रण एवं कीड़े बीमारियों के नियंत्रण में लगभग 80% कार्य प्रकृति स्वयं ही कर लेती है। वैसे इसमें जो कीट नियंत्रक यानी कि किसी कीट नाशक को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 10-20% ही कीट पतंगे या इस तरह के रोग या कीट आते हैं। उसके अलावा उन्हें रोकने का भी कीट नियंत्रक बनाते हैं हम नीम का, तो नीमास्त्र जैसे बना करके हम उससे बिल्कुल तरीके से कीट को रोक देते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर जैविक खेती को परिभाषित किया जाए तो जैविक खेती कृषि की वो विधि है जिसमें मृदा को स्वस्थ व जीवंत रखते हुए केवल मिश्रित खेती, उचित फसल चक्र, जैविक खाद, जैव कीटनाशियों के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रखकर टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में बाहर से लाए गए संसाधनों के स्थान पर ऐसी प्रबंधन प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो उस स्थान विशेष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। असल में खेती के तरीके, हमारे बीज, सभी कुछ हमारी जलवायु के अनुरूप ही तैयार हुए हैं, लेकिन जब आधुनिक कृषि का तरीका अपनाया गया
तो भू जल का अंधाधुंध दोहन हुआ और इसका बुरा प्रभाव पानी की कम होती उपलब्धता के रूप में सभी के सामने है। जैविक खेती और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना ने किसानों को खेती के लिए पर्यावरण हितैषी तरीके अपनाने और रासायनिक खादों पर उनकी निर्भरता को खत्म करके पूरी तरह से जैविक खाद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें हमारा किसानों को ट्रेनिंग, उसके साथ में जो इनपुट प्रोडक्शन फॉर्म में बाहर से परचेज करने के लिए गाड़ी के लिए व्यवस्था की गई है, अपना वो ब्रांडिंग कर सकता है, अपना वो पैकेटिंग कर सकते हैं, प्लस उसके अलावा जो आपको मालूम है कि जैविक में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्रमाणीकरण, तो इसमें प्रमाणीकरण की भी सुविधा दी गई है। इन कार्यक्रमों का एक ही मकसद है किसानों को जैविक खेती से जोड़ना, जिससे न सिर्फ खेती की लागत में कमी आए बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो। जैविक खेती में उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों को बहुफसलीय प्रणाली को अपनाना होगा, यानी एक खेती में कई प्रकार की फसलें लेना। हम अपने खेत में जब अनेक प्रकार की फसलों को साथ साथ लगाते हैं तो हमारे में हर सतह पर, खेत में हर सतह पर उत्पादन दिखाई देने लगता है। इसी को हमने कहा मल्टी लेयर प्रोडक्शन सिस्टम। ये तो नेचर की एक विधा है। यदि किसान भाई इसको ठीक ठीक समझ लेते हैं तो जमीन के आयतन को देखकर, जमीन के घनत्व को देखकर हम खेती करेंगे तो हमारे उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है और इससे हमारा लाभांश भी बढ़ता है। क्षेत्रफल एक एकड़, फसल प्रणाली अपनाने का प्रारंभ काल तथा फसल प्रणाली अपनाने की अवधि 6 वर्ष से अधिक। मानचित्र के आधार पर ए वो क्षेत्र है जहां पर 1 वर्ष से कम अवधि की फसलों को मौसम के अनुसार लगाया जाता है। बी वो क्षेत्र है जहां पर गन्ना लगाया जाना है और साथ में लहसुन लगाया जाना है। सी क्षेत्र में अमरूद या आम या केला व पपीता लगाएं, फलों से खाद्यान्न की तुलना में आमदनी भी कई गुना अधिक होती है। डी क्षेत्र में लाइन से बकायन के पौधों को लगाएं तथा 1 एकड़ खेत की सीमा पर भी बकायन के पौधे लगाएं। प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था घनाकार में विविधता पूर्वक होनी चाहिए और इस प्रकार की बहुफसलीय प्रणाली का मानचित्र किसानों को अपने क्षेत्रीय वातावरण के अनुसार तैयार करना चाहिए। प्रकृति में एक फसल पैदा करने का कोई नियम ही नहीं है और इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैव विविधता की कमी होने से प्राकृतिक रूप में भूमि की उर्वरता के संवर्धन का जो नियम है, जिसमें जमीन का कार्बन कंटेंट ठीक हो, पीएच वैल्यू ठीक हो, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक हो, कुल रूप से देखें तो उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना ठीक हो, यही प्रकृति का उर्वरता का नियम है धरती का। किसानों को उत्पादन लागत तैयार करने व उत्पादन कार्य के साथ साथ प्रसंस्करण करना भी आवश्यक है। प्रसंस्करण एक मूल्य संवर्धन उपाय है, मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है और पूरे परिवार के लिए साल भर रोजगार का भी सृजन होता है। उत्पादन का आर्थिक विश्लेषण किसानों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। जैविक खेती में किसान अपनी समझ और श्रम से बाजार आधारित लागत को 80% तक कम कर सकते हैं। जैविक खेती में किसान स्वावलंबी रहते हैं तथा बाजार की अनिश्चितता तथा मौसम के बदलाव का भी दुष्प्रभाव उन पर कम पड़ता है। उत्पादन का प्रशोधन व प्रसंस्करण करने से मूल्य संवर्धन 25% से 60% तक आसानी से बढ़ जाता है, यानी आमदनी में 25 से 60% तक का इजाफा। जैविक खेती की विधि से 1 एकड़ में 5 से 10 लाख रुपए तक आमदनी होने की संभावना है, जबकि सघन या कहीं आधुनिक खेती में लगभग 50,000 से 90,000 रुपए की आय होती है। आज भारत में अलग अलग कारणों से जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला वर्ग वो है जो ऐसे क्षेत्रों में बटा है जहां परंपरागत तरीके बिना किसी निवेश या बहुत कम निवेश से खेती की जाती है। दूसरा वर्ग वो है जिन्होंने पारंपरिक रसायन आधारित कृषि के प्रतिकूल प्रभावों के कारण जैविक खेती को अपनाया है, और तीसरा वर्ग वो है जिन्होंने इसके व्यावसायिक पहलू को समझा और बढ़ती बाजार मांग के कारण इसे अपनाया।
जैविक खेती का प्रचार प्रसार करने के लिए BGS यानी सहभागिता गारंटी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। सहभागिता गारंटी प्रणाली के समूह सदस्य लघु जोत किसान या उत्पादक एक ऐसी स्थिति में एक दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, निरीक्षण व जांच कर सम्मिलित रूप से पूरे समूह की कुल जोत को जैविक प्रमाणीकृत करते हैं। एक किसान को 40,000 से लेकर 80,000 तक का पैसा खर्च करना पड़ रहा था। हर किसान हमारा जो है इतना सक्षम नहीं कि जो इतना पैसा दे सके। जो हमारा PGS सिस्टम है इसमें हर साल लोगों मिल जाता है। दूसरी इसमें व्यवस्था की गई कि किसान अपने आप समूह बना सकता है, वो समूह अपने आप रजिस्टर कर सकता है, अपने आप लोड करिए डाटा आपका जो है उसको फीड करते जाइए, प्रमाणीकरण अपने आप मिल जाता है। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए रास्ते तय करेगा। जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है। आज भारत का किसान जैविक खेती को अपनाकर एक ऐसी जमीन तैयार करने में सफल होगा जहां वो अपने सपनों की बेहतर